Good morning students, welcome again in your maths class. Today we will continue chapter 4 subtraction, okay, with more topics. Okay, today's topic is subtraction of 4 digit number with borrowing. Okay, आज हम subtraction करेंगे same as it is, जैसे हमने पहले करा 4 digit के साथ करेंगे, लेकिन आज हम with borrowing. Yesterday हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग, मतलब जो हमारे डिजिट थी वो अपने में इंडिपेंडेंट थी कि वो इजीली सब्ट्रैक्शन कर पा रही थी, मीन्स उन्हें किसी से कोई भी मतलब डिजिट, एक भी डिजिट बोरो नहीं, मतलब उधार नहीं लेनी पड़ रही थी. बोरोइंग का मतलब होता है किसी से कुछ लेना, तो यहाँ पर डिजिट हमारे इंडिपेंडेंट थी, वो इजीली माइनस सब्ट्रैक्शन कर पा रही थी. बट टुडे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे विद बोरोइंग, मीन्स हमें सात वाले डिजिट से हमें उधार लेना पड़ेगा. लाइक ओके, रूल्स तो वही रहेंगे, लाइक हमें डिजिट को वैसे लिखना पड़ेगा, लाइक जैसे वंस के नीचे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, मीन्स जैसे हम डिजिट को लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, बड़ी वाली ऊपर नीचे ऐसे ही, बट इसके स्टेप्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे. लाइक स्टेप फर्स्ट, अरेंज द नंबर्स, सेम ऐसे ही हम नंबर्स को अरेंज करेंगे. ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में. सेकेंडली स्टेप टू, सब्ट्रैक्ट वंस, जैसे हम उसमें करते थे पहले वंस, टेंस में से टेंस, हंड्रेड में से हंड्रेड और थाउजेंड में से थाउजेंड, वैसे ही सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट अभी इसमें क्या हो गया है, जब हम वंस पे आते हैं हम क्या देखते हैं, वी हैव टू माइनस टू माइनस एट, ये पॉसिबल है, ये स्मॉलर डिजिट है, ये ग्रेटर है. अब इसमें से ये तो माइनस नहीं हो पाएगी, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बोरो वन डिजिट. ओके, वी हैव टू बोरो वन डिजिट, हमें इससे एक उधार लेनी पड़ेगी. तो हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वन, और यहाँ पे हमारा कितना रह जाएगा, फाइव माइनस वन रह जाएगा फोर. ओके, यहाँ पर रह जाएगा फोर. सो अब हम ट्वेल्व में से एट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, लाइक वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, ट्वेल्व. ट्वेल्व में से हम एट सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. आंसर क्या बचेगा हमारे पास, वन, टू, थ्री, फोर, क्या बचेगा, फोर, राइट. अब हेयर वी हैव फोर, फोर माइनस फोर, ज़ीरो. अगेन वी हैव सिक्स माइनस एट, सिक्स इज स्मॉलर एंड एट इज बिगर, सो वी हैव टू बोरो वन from 9. Okay, here we have left 8, then 6 is become 16, we have to minus 16 minus 8. अब 16 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, सो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 में से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 माइनस करना पड़ेगा हमें. अभी कितना बचेगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, हमारे पास कितना बचेगा, एट. ओके, हेयर वी हैव एट माइनस टू, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट माइनस टू, वन, टू, रिमेन वी हैव वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट सम विद बोरोइंग. ओके, स्टेप थ्री, सब्ट्रैक्ट टेंस, जैसे हम पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, टेंस को, हंड्रेड को और थाउजेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके ओके, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हंड्रेड, हम हंड्रेड को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ओके, जैसे वो बता रहा है आपको हर स्टेप में, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, वो यही बता रहा है कि हम स्मॉलर डिजिट में से ग्रेटर डिजिट को माइनस नहीं कर सकते, तो वी हैव टू बोरो सम डिजिट फ्रॉम नेक्स्ट वन, जो हमारी पहली वाली डिजिट है उससे हमें कुछ ना कुछ बोरो करना पड़ेगा, तभी हमारी ये डिवीजन हो पाए, सॉरी ये सब्ट्रैक्शन हो पाएगा. ओके, ऐसी सब्ट्रैक्ट थाउजेंड, थाउजेंड में भी ऐसे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. सेम यही है, यही स्टेप चले हैं यहाँ पर. हमने जैसे हमने टू माइनस एट किया, पहले वंस को सॉल्व किया, फिर टेंस को, फिर हंड्रेड को, फिर थाउजेंड को. सो दिस इज योर टॉपिक, सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर डिजिट नंबर विद बोरोइंग. ओके, डू योर
4.2 एक्सरसाइज डू इट योर सेल्फ प्रैक्टिस इट ओके डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक ओके।